व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने रविवार को कहा कि नागपुर और आसपास के परिसर में निर्माण हुए हालात आकस्मिक है। अतिवृष्टि के अलावा सोयाबीन व संतरे की फसल पर लगे कीड़े भी गंभीर समस्या है, इसलिए नुकसान ग्रस्त किसानों को निर्धारित पद्धति के साथ ही बढ़ा हुआ मुआवजा देने के बारे में सरकार पंचनामे की रिपोर्ट के बाद निर्णय लेगी। शनिवार को अकोला नागपुर जिला व रविवार को सुबह चंद्रपुर जिले के चीमूर भाग में नुकसान का मुआयना करने के बाद उन्होंने शाम में नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन में जायजा लिया। पंचनामे का शेष कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश उन्होंने जायजा बैठक में दिए। बैठक में जिला परिषद की अध्यक्षता मुक्ता कोकड़े, सांसद कृपाल तुमाने, विधायक आशीष जायसवाल, विधायक टेकचंद सावरकर, जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर, मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, अतिरिक्त जिलाधिकारी आशा पठान आदि सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। इस अवसर पर जनहानि, घरों, खेती की फसलों, सड़कों के हुए नुकसान के बारे में अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने कहा कि सेतु केंद्रों के माध्यम से सुविधा मिलने में अनियमितता नहीं होगी, आवेदन के लिए किसी से भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।